हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विश्य बी ट्रिपल एट। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए भी है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे गाइस, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर को सच में आपसे कोई प्यार व्यार है या सिर्फ दिखावा करते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स सच में प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा है। प्लीज गाइड मी। ओके, क्या आपके पार्टनर के मन में सच में प्यार है या फिर सिर्फ दिखावा करते हैं। गाइज, आपको सुनकर जैसा भी लगे, आई डोंट नो, बट सच बोलना मेरा काम है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, आपकी पर्सन की एनर्जीज बहुत मिक्स आई हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत मिक्स आई हैं, एक तरफ सप्रेशन है, ठीक है, माइजर भी आ गया, फिर एम्परर भी आ गया, फिर एट ऑफ कप्स भी आ गया, फिर थ्री ऑफ कप्स भी आ गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। सर्वगुण संपन्न का मतलब है कि मतलब अपनी चीजों के साथ सर्वगुण संपन्न इंसान है ये, ठीक है। एक हो सकता है आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन यू नो आपसे अभी डिस्टेंस पर हो, क्योंकि एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन आपने आपका सवाल हम लेते हैं, ये अभी क्या है ये छोड़िए, हमारा सवाल ये है कि क्या इनके मन में प्यार है या दिखावा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में पूरी तरीके से आपको लेकर प्यार ही है, ठीक है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से दिखावा भी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी आई है, इतनी मिक्सअप एनर्जी आई है कि मतलब मेरा दिमाग हिल गया। मतलब कुछ ना, जब ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आती है ना तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही इंसान है ये। ओके, यहाँ पर कार्ड आया एम्परर का एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन में अत का ईगो है, ठीक है। मतलब इस लेवल का ईगो है इस पर्सन के अंदर कि हर बार ये पर्सन मुंह से बात निकालते हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूं। इतना कॉन्फिडेंस इस पर्सन की एनर्जी में है, या फिर हम कितना ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन की एनर्जी में है कि इनको ऐसा लगता है कि ये शब्द भी निकालेंगे ना तो वो सही है। मतलब इस पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि मैंने जो बोला वही सही है, ठीक है, मैं जो बोलता हूँ बोलती हूँ वही सही है।
दूसरी एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई सिक्स ऑफ कप्स की, तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते इस पर्सन के मन में आपको लेकर फ्रेंडशिप नहीं है, इसके पर्सन के मन में आपको लेकर केयर नहीं है, इस पर्सन के मन में आपको लेकर कोई जज्बात, कोई फीलिंग्स नहीं है, हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है जो दिखाती है कि पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं, और जैसी फ्रेंडशिप, जैसा इंसान आपको मानते हैं, ये मतलब बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड इंसान हो आप इस पर्सन के, इनोसेंट मानते हैं आपको, ठीक है, आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जिसको, जिसके साथ मर्ज हुआ जा सके, ठीक है, जो जिसके साथ जिसकी एनर्जीज के साथ मिला जा सके, ठीक है, जिसकी एनर्जीज के साथ आप पूरी तरीके से उसकी एनर्जीज के साथ आप पूरी तरीके से मिल जाओ, ठीक है, तो ये भी यहां पर निकल कर आ रहा है। बट यहां पर ईगो भी है, बहुत स्ट्रांग ईगो है, और इस इंसान के साथ आई डोंट नो आपने कैसे डील किया होगा, क्योंकि ये इंसान, ऐसे इंसान नजर आ रहे हैं कि ये जो भी एनर्जी है, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का बना देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, आप परेशान हो जाएंगे इस व्यक्ति के साथ डील करके, क्योंकि इस पर्सन की जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये आई है कि ये आपको एक तरफ तो अपना ऐसा रूप दिखाएंगे, ऐसा प्यार का रूप दिखाएंगे, ठीक है, मतलब क्योंकि वो है उसके मन में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो है उसके मन में, ठीक है, कि आप कहेंगे ये इंसान कितना अच्छा है, मैं कितना लकी हूं, मैं कितनी लकी हूं, और दूसरी तरफ ये आपको ऐसा अवतार दिखाएंगे अपना कि आपको ऐसा लगेगा कि आपसे ज्यादा अनलकी इंसान कोई नहीं है कि आपको ये पर्सन मिला, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ऐसी एनर्जी निकल कर आई है कि आपका जो पर्सन है वो अपने हिसाब से काम करता है, अगर उसके दिमाग में उसके हिसाब से चीजें ठीक चल रही हैं, उसका मूड अच्छा है, या फिर वो हर चीज में बैलेंस है, तो आपसे बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करेगा, बहुत प्यार से बात करेगा, सब कुछ अच्छा होगा। इस पर्सन की बुद्धि अगर थोड़ी सी भी खिसक गई, ठीक है, या फिर ये पर्सन थोड़े से भी चले गए ईगो के साइड में, या फिर आपसे नाराज हो गए, तो ये आपको इस तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं, इस लेवल का इग्नोर कर सकते हैं, इस लेवल का आपको फील करा सकते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर आपको, आपका दिल जो भी है, जो भी आपने फूलों से सजाया हुआ है, वो तार तार टूट जाएगा इस पर्सन की एनर्जी के साथ, क्योंकि आपको इस पर्सन की एनर्जी में चाहिए लव, और जब ये आपको गुस्से के साथ इग्नोर करेंगे, देन आपको यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो दिखाता है वो सब दिखावा है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान के मन में कोई प्यार नहीं है, जो इस तरीके का इग्नोर कर सकता है, जो इस तरीके से हो सकता है ब्लॉक करके महीनों बात ना करे, ठीक है, उस इंसान के मन में कहाँ से प्यार आया, बट ऐसा नहीं है, ये अपनी जिद का पक्का इंसान है, ठीक है, अगर जिद आ गई तो आ गई, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ भी हो जाए वो झुक नहीं सकते, उनके मतलब झुक जाएंगे, सॉरी थैंक यू बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा उनकी लाइफ में, उस तरीके के इंसान आपके पर्सन नजर आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजों में ना इस पर्सन को ये आपको इरिटेट भी करते होंगे, उसका कारण साइलेंस, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे खामोशी से मारते रहते हैं, खामोशी से मारने का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा आपको कोई क्लैरिटी ना देना, ठीक है, कोई क्लियर जवाब ही ना देना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक करके रखा है तो बता के ब्लॉक करो कि ये कारण इसलिए ब्लॉक किया हुआ हूं, या फिर इसलिए ब्लॉक कर दिया है, और तब तक अनब्लॉक नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जब तक कि ये सारी चीजें सेटल नहीं हो जाती, तो आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, इसके डिसीजन के बारे में आप सोचते रहेंगे, इनके साइलेंट बिहेवियर को आप अपने मन में सोचते रहेंगे कि क्या कारण हो सकता है, इसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं। अब यहां पर माइजर की भी एनर्जी आई है जो ये बात कर रहा है कि ये पर्सन कब आपको मतलब ऐसा फील करा देंगे कि बहुत ही ज्यादा स्वार्थी इंसान है, ठीक है, ये चीज आपको बहुत तोड़ेगी अंदर से, क्योंकि आपको समय समय पर ये भी फील करा सकते हैं कि ये बहुत स्वार्थी है। मैंने बोला ना यहाँ फ्रेंडलीनेस की भी एनर्जी है, ये कई बार आपको ऐसा फील करा देंगे कि आपसे अच्छा बेहतर इंसान, मतलब इससे अच्छा बेहतर इंसान, इससे अच्छा इंसान, इससे अच्छा गुड लुकिंग इंसान आपको जीवन में कभी नहीं मिल सकता था, मैच्योर इंसान कहीं नहीं मिल सकता था, मतलब आप दिया लेकर भी ढूंढने जाते तो ऐसा इंसान नहीं मिलता, कभी तो आपको ये ऐसा फील करा देंगे, और कभी आपको ऐसा फील करा देंगे कि इससे बड़ा स्वार्थी इंसान कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ माइजर की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। यहां पर यह भी नजर आता है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कई बार बहुत इनोसेंट बिहेव करते हैं, मतलब खुद भी ऐसे इनोसेंट बिहेव करते हैं, क्योंकि वो उस पर्सन के अंदर इनोसेंस हो सकती है, ठीक है, मैंने बोला ना मिक्स एनर्जी आई है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में आपको तो खुद पता होगा कि क्या क्या है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आता है कि बहुत इनोसेंट भी है, यानी कि कई बार ये पर्सन बहुत ही ज्यादा बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे छोटा बच्चा हो, बहुत मासूम से लगते हैं, और कई बार आपको ऐसा लगे जैसे खूंखार इंसान है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक घमंडी इंसान है, घमंड सर चढ़ के बोलता है, अपने आगे किसी की नहीं सुनता, बहुत ही जिद्दी
इंसान है, अकड़ू इंसान है, ठीक है, कई बार आपको इसमें ये नजर आएगा, फिर आपको ये भी लगेगा कई बार ये कि स्वार्थी है, बहुत ही गंदा वाला स्वार्थी इंसान है, ठीक है, अपनी बारे में सोचता है, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, कई बार आपको ये भी लगेगा इस पर्सन को देखिए, कई बार आपको इस पर्सन पे इतना प्यार आएगा, इतना ज्यादा आपको ये पर्सन अच्छे लगेंगे, इतना ज्यादा आपको इस पर्सन के साथ मर्ज होने का मन होगा कि आपको लगेगा कि यही है वो जिनको आप ढूंढते आए हो, यही है वो जो आपका परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, तो कभी आपको ऐसा लगेगा। फिर आपको इस पर्सन के साथ ये भी नजर आ सकता है कि ये पर्सन अपने ईगो के चलते आपको कभी भी ऐसा फील करा सकते हैं कि आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, या फिर इस लेवल का ही आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कभी आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को आपकी लाइफ में रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये आपको ऐसा भी शो कर सकते हैं कि ये किसी भी वक्त मूव ऑन कर सकते हैं और इनके अंदर वो गट्स हैं, ठीक है, इनको मतलब बिना फर्क, मतलब ऐसे दिखाना ही नहीं कि मैं पोजेसिव हूं, ऐसा दिखाना ही नहीं कि मैं इस कनेक्शन को लेकर बहुत मरता हूं या मरती हूं, ये ऐसा भी शो कर सकते हैं कि किसी भी वक्त ये कनेक्शन को बाय बोल कर जा सकते हैं, मतलब आपको ये इतना इस लेवल का इनसिक्योर कर सकता है ये इंसान, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगेगा इस पर्सन की एनर्जी में कि इससे ज्यादा अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता था, शादी के लिए पर्सन बेस्ट है ये, मतलब शादी के लिए बेस्ट पार्टनर है, ठीक है। और कई बार आपको इस पर्सन की एनर्जी में एक इनके साथ रह रहकर एकदम घुटन सी भी महसूस होने लगी कि मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी नजर आती है, तो मतलब उनके कुछ शौक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मतलब होता है ना कि एक चिढ़ गए तो जेलसी फील कराने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा कर देना, ठीक है। बहुत ही ओवर थिंकिंग करने वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा सोच सोच कर काम करता है, ये सोच सोच कर काम करने का मतलब है कि ये पर्सन दूसरों के एक्शंस को प्रिडिक्ट करके अपना एक्शन लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज जो मैंने पिक की है वो ये कि ये इंसान किसी भी लेवल का खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो लोग अपने को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने को नियंत्रित करना जानते हैं, ऐसे लोगों से आप बहुत मुश्किल है कि कुछ करवा लो, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये अपने आप को हर तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, अपनी बातों को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने ऊपर हर तरीके का नियंत्रण ऐसे लोगों का होता है, तो इनके साथ आप जब डील करेंगे तो आप इनसे अपने हिसाब से कोई काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, ये वही करेंगे जो ये करना चाहते हैं, और अगर आप अपने हिसाब से कुछ करवाने की कोशिश करेंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जाकर कोई भी काम आपके हिसाब से नहीं करेंगे, क्योंकि इनका नियंत्रण इनके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नजर आता है कि आप इस पर्सन से कुछ काम अपनी मर्जी से करवा भी नहीं पाते होगे, ज्यादा नहीं करवा सकते आप इस पर्सन से, ठीक है। अगर हाँ ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार में है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लव में है, उस वक्त हो सकता है आपके हिसाब से कुछ काम कर दें, लेकिन फिर भी इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है कि अपने एक्शन ये पर्सन खुद लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने एक लाइन बोली थी यहाँ पर कि दूसरों के एक्शंस लेने के पहले ही उनके एक्शंस को प्रिडिक्ट करके अपना एक्शन लेते हैं, यानी कि कोई सामने से क्या एक्शन ले सकता है इस बात पर ये पहले अपने दिमाग में सोच लेते हैं और ये पहले एक्शन ले लेते हैं बजाय इसके कि वो इंसान इनकी तरफ एक्शन ले, ठीक है। ये मुझे इस एनर्जी में नजर आया है, मतलब पहले ही, ठीक है, मुसीबत आने के पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर लेना कि मुसीबत आ सकती है, इस तरीके की आ सकती है, इतना लॉस हो सकता है, तो ये मुसीबत आने से रोकने के लिए पहले ही कदम पीछे ले लेना या पहले ही कोई एक्शन ले लेना, ये इस पर्सन की एनर्जी में नजर आता है, ठीक है। तो मुझे कई बार तो ऐसा नजर आता है कि आपके बीच में मतलब झगड़ा स्टार्ट होते ही मुझे लगता है ये भाग जाते होंगे या फिर ये झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ही मिक्स एनर्जीज आई हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्यार है या दिखावा, क्योंकि ये वही दिखाते हैं जो इनके अंदर चल रहा होता है। अगर इनके अंदर गुस्सा चल रहा होगा तो आपको इनकी एनर्जी में गुस्सा नजर आएगा, फिर ये आपको प्यार नहीं दिखा सकते, दिखाई नहीं सकता ये व्यक्ति आपको प्यार, और जब इसके मन में प्यार चल रहा होगा तो सिर्फ प्यार ही होगा, ठीक है, वो फिर उस समय कोई मैनिपुलेशन यहाँ पर नहीं होता है। और जब ये आपको मतलब अपना वो सेल्फिशनेस वाला नेचर दिखाते हैं तो वो वास्तव में सेल्फिश है, ठीक है, तो वो आपको वो चीज भी दिखा देते हैं, ठीक है। और जब इस पर्सन के अंदर आपको इनोसेंस देखने को मिलती है तो वो भी रियलिटी है इस पर्सन की, यानी कि ये अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें, जो कहते हैं ना कि अलग अलग समय पर इंसान अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है, वही इस पर्सन की एनर्जी में निकल कर आया है। लेकिन इस पर्सन के अंदर सब कुछ है, मतलब मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में सर्वगुण संपन्न, तो ये वही इंसान है, सर्वगुण संपन्न है ये, ठीक है, इनके पास आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। कोई कहे कि इंसान प्यार ही प्यार वाला व्यक्ति है तो नहीं है ये, कोई इंसान कहे कि बहुत प्रैक्टिकल है तो ऐसा भी नहीं है, इस पर्सन के अंदर इमोशंस भी हैं, कोई ये कहे कि इंसान सिर्फ लुटाना जानते तो ऐसा नहीं है, पर्सन बहुत सेल्फिश भी है, ठीक है, और ऐसा कहे कि पर्सन शादी मटेरियल नहीं है तो ऐसा भी नहीं है, पर्सन शादी मटेरियल भी है, ठीक है। और ये चीज नजर आती है मुझे,
ये डिपेंड करता है कि पर्सन किसके साथ डील कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है पर्सन जिस जैसे इंसान के साथ डील करते हैं ये वैसे ही चीजें कर लेते हैं। मैंने कहा ना, सामने वाले के एक्शंस को प्रिडिक्ट करके पर्सन पहले एक्शन लेता है, देख लेगा कि ये किस तरीके से एक्शन ले सकता है, क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है, उसके पहले ही ये पर्सन एक्शन ले लेंगे उसको परख कर। ठीक है, सो जज करने में बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांग जज करते हैं, और आई थिंक जो भी जज करते हैं वो सही ही जज करते हैं, ऐसा भी नजर आता है। ठीक है, या फिर गलत भी जज करते हैं तो इनका एक्शन तो ऐसा ही होता है, ये जो जज करते हैं ये सामने वाले को जो भी उनके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं उसी के हिसाब से ये पर्सन एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ना ये इंसान बहुत भोला भाला है, ना ही बहुत ज्यादा मतलब प्यार से भरा हुआ है। इस पर्सन के अंदर सारी एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी समय समय पर। ठीक है, ओके, ये मुझे नजर आ रहा है आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।